हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे अभी ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड को लेकर, जहां आप लोग देखोगे ट्रेडिंग बंद हुआ। आज कितना टाइम हो गया भाई, आज तारीख हो गई 26 और 13 तारीख को बंद हुई थी ट्रेडिंग, 13 तारीख के बाद, सॉरी 14 तारीख को, और तब से लेकर अब तक आप लोग 13 दिन हो गए हैं भाई। अब तक इसकी जो ट्रेडिंग है वो क्लोज है। अब यहाँ पर बहुत से निवेशकों के कमेंट आ रहे हैं कि बोल रहे थे आप तो कि मंडे दिन ट्रेडिंग होगी। देखो भी वो आपको जो डिटेल में पढ़ा होगा आपने, जो कुछ भी वहाँ पर बताया गया था NSE BSE एक्सचेंजेस की तरफ से कि 15 दिन तक कोई ट्रेडिंग नहीं होगी, ठीक है। पहले 15 दिन ट्रेडिंग बंद होने के बाद कोई भी ट्रेडिंग नहीं होगी। उसके बाद आप लोग देखोगे वीक में सिर्फ एक दिन ट्रेडिंग होगी, वो होगी मंडे को। अगर मंडे को किसी कारण से छुट्टी रहती है तो वो ट्यूजडे के दिन हो जाएगी भाई, यानी कि वीक में एक दिन ही होनी है। तो इस प्रकार से आप लोग देखो पहले 15 दिन कुछ भी नहीं होने वाला इसके अंदर, उसके 15 दिन बाद आप लोग देखोगे हर वीक में एक दिन ट्रेडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि ये वीक ऐसे ही जाएगा, जो अगला वीक होगा ना अभी, तो वहाँ से कंपनी के अंदर जो है भी ट्रेडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। और जिस दिन ट्रेडिंग होगी उसी दिन आपके जो शेयर है वो आपको शो होंगे, अदरवाइज जो सारे शेयर है वो बाद में फ्रीज हो जाएंगे। और ऐसी सिचुएशन में आपको पता होगा कैसा माहौल बनेगा, ठीक है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं। भी देखो जिस दिन ये ओपन होगा उस दिन सभी के मन में क्या डाउट आएंगे कि मैं तो अपने शेयर बेच के निकलता हूँ, ठीक है। सभी के मन में यही होगा कि उस दिन ट्रेडिंग होगी, उस दिन मैं मेरे शेयर बेच कर निकल जाऊंगा, जो कुछ भी मेरे को मिला है यहाँ पर वो सेफ रखूंगा। सभी के यही मन में डाउट्स होंगे, इसलिए सेलिंग प्रेशर स्टॉक के ऊपर बढ़ेगा और उस दिन भी जो शेयर है वो हमें LC लगाते हुए नजर आएगा। तो इसलिए अगर आपकी होल्डिंग है स्टॉक के अंदर, अभी के टाइम होल्ड करने के अलावा कोई भी हमारे पास चारा नहीं है, ठीक है। और बाकी कंपनी की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई थी, वो मैंने आपको बताया था भी क्या खबर थी, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी ने क्या कहा कि हमारे न्यू ऑडिटर आने की वजह से हम हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो डिस्क्लोज नहीं कर पाए, अदरवाइज हमारे रिजल्ट्स हम डिस्क्लोज कर देते। ये तो एक बहाना है भाई, ठीक है। आप लोग इससे पहले क्या वो ऑडिटर नहीं थे क्या? कितना टाइम हो गया अब तक और उनके रिजल्ट ही नहीं आ रहे हैं, ठीक है। Q2 के नंबर इन्होंने डिस्क्लोज किए स्टैंड लोन बेसिस पर, ठीक है, वहाँ पर भी कंसोलिडेटेड बेसिस वो नहीं आए हैं। उसके बाद आप लोग Q3 होल्ड है, Q4 भी होल्ड है, Q2 भी होल्ड ही है। तो आप लोग देखो तीन क्वार्टर्स के रिजल्ट्स जो है होल्ड है, इसलिए यहाँ पर जो एक्सचेंजेस उसने एक्शन लिया है, ठीक है। अगर आप लोग देखो मार्केट जो मास्टर सर्कुलर्स है उनका पालन नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है अभी, यानी कि जो भी इनके रूल एंड रेगुलेशन कंप्लाइंसेज है उनका अगर पालन नहीं करोगे तो भाई जाहिर सी बात है यहाँ पर तो एक्शन लिया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर एक्शन है। और उन्होंने क्या बोला भी, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ उस नोटिस में। तो ये देखो भी 15 तारीख को कंपनी की तरफ से नोटिस पब्लिश किया गया था ब्राइटकॉम की तरफ से, NSE BSE की साइट पर, इसका आप लोग वेरिफिकेशन कर सकते हो। और यहाँ पर जो है अभी अपडेट दिया था, या फिर आप लोग देखोगे सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग एंड पेंडिंग इश्यूज़, जो कोई भी इश्यूज इसके रहते हैं, या फिर आप लोग देखोगे सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग्स है, इसके बारे में यहाँ पर जो है अभी कंपनी ने बताया। देखो भी आपको पता होगा अभी कंपनी के रिजल्ट्स नहीं आ पाए, इन्होंने सारा का सारा जिम्मेदारी जो है किसको, ऑडिटर्स को बता दिया भाई न्यू ऑडिटर्स आए हैं वो कुछ अलग ही फेस कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, रिजल्ट्स पब्लिश करने में। लेकिन रिजल्ट्स पब्लिश हो जाएगा भाई, डिले हुआ है ना, इस वजह से हुआ है क्योंकि हमारे न्यू ऑडिटर आए हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आप लोग देखोगे ये जो ना भी इन्होंने बोला कि हम 31 तारीख तक, 31 जुलाई, ठीक है, अपने कंप्लीट रिजल्ट जो ना भी डिस्क्लोज कर देंगे, ऐसा उनकी तरफ से अपडेट आया। तो अब तो भाई 31 जुलाई का ही वेट है, तब तक आप लोगों को वीक में सिर्फ एक दिन ट्रेडिंग देखने को मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये टोटल अपडेट्स, इनके जो इंटरनेशनल सब्सिडरीज है, ओनरशिप्स है, उन सभी में आप लोग देखोगे इनकी होल्डिंग में कोई भी बदलाव नहीं है, ठीक है, जैसी पहले थी उसी प्रकार की होल्डिंग अभी भी है। तो ये कंपनी की तरफ से टोटल अपडेट्स थी भी। और इसके अलावा जो एनुअल जनरल मीटिंग्स है, अपॉइंटमेंट्स ऑफ मैनेजरियल पर्सनल और कमिटमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स, तो सब कुछ यहाँ पर कंपनी ने बताया भाई। तो ये टोटल अपडेट्स सही हैं। अब तो हम 31 तारीख का वेट करेंगे और अगले वीक से जो ना भी ट्रेडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।